Chappelle Cut. Good morning, students. Welcome to the Rainbows Online Classes. आज का जो हमारा सेशन है वो है क्लास थर्ड का EVS का चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड. ओके, हैबिटेट. डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल लाइक एलिफेंट, लायन एंड डॉग लिव ऑन द लैंड. दे आर कॉल्ड टेरिटोरियल एनिमल्स. एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड द स्क्वैड लिव इन वाटर. दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. मतलब एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. और जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स. लाइक फिश, ऑक्टोपस, स्क्वैड और जो थल वाले हैं मतलब जमीन पे रहते हैं, तो एलिफेंट, लायन एंड डॉग. Frogs, crocodile and the salamanders live both on land and water. They called amphibian. जैसे जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, amphibians. Frog, crocodile और salamander. Next, some animals dig holes in the ground that live in them. Red snake and mole live underground in burrows. ऐसे animals जो जमीन के अंदर गड्ढा करके बिल के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, burrows. ठीक है, जैसे ये हो गया आपका red snake और mole. अब वराइट शेप, मतलब जिसके अलग अलग शेप्स होते हैं. देखिए यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स. स्नेक एंड अर्थवर्म हैव लॉन्ग सिलेंडर बॉडी. मतलब जो केचुआ होता है, सांप, वो कैसे होते हैं, उनके हाथ पैर नहीं होते, वो एक सीधे होते, बिल्कुल स्ट्रेट. आगे बर्ड्स एंड फिश हैव स्ट्रीम्ड बॉडी. मतलब बर्ड और फिश की कैसी बॉडी, मतलब बोलते सॉफ्ट और चिकनी बॉडी होती है. आगे फ्रॉग एंड डॉट्स हैव स्क्वाइट बॉडी. जो कैसे होते हैं, मेंढक होते हैं. और टॉस जो होते हैं, स्क्वाइट मतलब इसे चिकनी, मतलब वो भी इसे उछलते हैं, हाथ में से फिसलते हैं. आगे जेलीफिश एंड द ऑक्टोपस हैव द पैराक्यूट शेप्ड बॉडी. मतलब जेलीफिश और ऑक्टोपस होते हैं, उनकी बॉडी का कोई शेप नहीं होता है. ठीक है, वो बिना शेप के होते हैं. आगे मूविंग अराउंड, शेप होता है मतलब, लेकिन एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता है. मूविंग अराउंड एनिमल मूव फ्रॉम द प्लेस टू अनादर इन सर्च फूड एंड शेल्टर एंड ऑल्सो टू फ्रॉम देयर एनिमीज. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन विल हेल्प इन देयर मूवमेंट. मतलब ऐसे स्टूडेंट मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपने खाने की तलाश में या मतलब शेल्टर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, अपने आप को किससे बचाते हैं, एनिमल से बचाते हैं, ऐसे और अपने एनिमीज से बचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूविंग एनिमल्स. अभी देखिए टेरिटोरियल एनिमल्स डॉग एंड शेर, एक फिर एक्वाटिक में वही फाइंस और फीबर्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये वॉक करते हैं टेरिटोरियल्स. आगे इंसेक्ट के पास क्या होते हैं, थ्री पेयर होते हैं लेग के. ठीक है, और सम इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई. इनके पास तो पंख होते हैं उड़ने के लिए. आगे बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई एंड टू फीट टू हॉप द प्लेन्स. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं और दो पेयर होते हैं. ठीक है, आगे स्नेक के पास क्या होता है, वो ट्राउल मतलब ग्रो का, मतलब उनकी जो बॉडी कैसी होती है, रेप्टाइल होते, रेंगते रेंगते केचुए और सांप कहीं भी जा सकते हैं बहुत ही स्पीड से. आगे टेल्स इन एनिमल्स, सम एनिमल्स हैव टेल्स, सम टेल्स आर लॉन्ग वाइल अदर टू स्मेल, दे यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पस. मतलब सभी में सूंघने की अलग अलग शक्तियां होती है, जिससे वो अपने मतलब डेंजर सिचुएशन में अपने आप को क्या करते हैं, क्योर कर लेते हैं, अपनी केयर कर लेते हैं. मंकीज यूज देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल्स टू हैंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ट्री. अब इसके पास जो टेल्स है, ठीक है, पूंछ है, उससे क्या होता है, सूंघना ही टेल्स मतलब पूंछ की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं, उस पूंछ से पेड़ों पे चढ़ जाते हैं बहुत इजिली. फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन वॉटर. जो क्या कहते हैं, फिश होती, मछली की पूंछ किस लिए यूज होती है, पानी में डायरेक्शन चेंज करने के लिए. अब डॉग्स यूज देयर टेल्स इन एक्सप्रेस देयर मूवमेंट. वो अपनी मूवमेंट बताने के लिए अपनी मतलब टेल का यूज करते हैं. कंगारूज क्या करते हैं, हैव स्मॉल ट्रेल्स टू बैलेंस देयर बॉडीज व्हाइल दे आर सिटिंग इन देयर हाइंड लेग एंड हॉपिंग. वो अपने मतलब जो उनके पास जो टेल्स होती है उसका यूज किस लिए करते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए. काउ और जो बफेलोज होते हैं वो किस लिए करती है, मतलब जो बर्ड्स वगैरह होती है उनको अपने से दूर रखने के लिए अपनी क्या कहते हैं, पूंछ का यूज करते हैं. एनिमल्स एंड देयर फीडिंग हैबिट. अब एनिमल्स जो खाते हैं, क्या खाते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं. हार्बिवोरस, हार्बिवोरस फीड ऑन प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट. काउ एंड गॉट्स ईट ग्रास, स्पैरो गेट ईट ग्रेन्स, स्क्वायरल ईट नट्स. मतलब ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, पत्ते हैं या पत्तियों से बनी चीजें, वो कहलाते हैं हार्बिवोरस. लाइक बुफेलोस, गॉड, स्पैरो और ये स्पैरो और ये क्या हो गई आपकी स्क्वायरल. ठीक है, ये स्क्वायरल और ये स्पैरो.
अब कार्निवरस, कार्निवरस फीड ऑन द फ्लैश एंड अदर एनिमल्स। अब ऐसे एनिमल्स जो किसी और एनिमल्स का मांस खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्निवरस। लाइक ये देखो आपको दिखाई दे रहा है टाइगर, लॉयन, स्नेक और ये ईगल। अब ओमनीवेरस, एनिमल्स लाइक बियर, क्रो एंड रेट ईट बोथ प्लांट प्रोडक्ट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, दे आर कॉल्ड ओमनीवेरस। ऐसे एनिमल्स जो दोनों तरह का खाना खाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ओमनीवेरस। मतलब कौन कौन? क्रो हो गया, कौआ सब खाता, बियर भालू दोनों खाता है, रेट चूहा वो भी खाता है, ठीक है। एनिमल्स लाइक वल्चर्स, रॉकेयर, हेल्डिन ईट द फ्लैश ऑफ डेथ एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। मतलब ऐसे एनिमल्स जो क्या खाते हैं? मरे हुए इंसान को खाते, मरा हुआ मांस खाते किसी का भी, वो क्या कहलाते हैं? स्केवेंजर्स। ये देखो आपको गिद्ध दिखाई दे रहा है, गिद्ध हो गया ये एनिमल्स, ये लोग क्या खाते हैं? मरा हुआ इंसान का, डेथ एनिमल का मांस खाते हैं। आगे अभी यूजेस, एनिमल्स एंड देयर यूजेस। अब देखो क्रो एंड गॉड्स गिव अस मिल्क, ये हमको क्या देती है? गाय और बकरी दूध देती है। हैंस एंड डक्स गिव अस एग, जो बत्तख होते हैं मुर्गियां हमें अंडे देती है। वी गेट वूल फ्रॉम द शीप एंड याक, हम वूल मतलब भेड़ से और याक से क्या लेते हैं? ऊन लेते हैं। स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेक एंड क्रोकोडाइल आर यूज टू ऑब्टेन लेदर, लेदर बनाने के लिए मगरमच्छ और सांप की जो चमड़ी होती है उसका यूज किया जाता है। हनी बी मेक हनी इन द हनी कॉम्ब्स, जो हनी बी होती है वो हमें शहद देती है। डंकी एंड एलिफेंट कैरी लोड्स, गधे और जो एलिफेंट हाथी होते हैं वो लोड बड़ा जो भारी सामान होता है उसको ले जाने के काम में आते हैं। हॉर्स एंड बुल्लॉक पुल कार्ट, जो घोड़े होते हैं और बेल होते हैं वो क्या सवारी के रूप में यूज किए जाते हैं। आगे डॉग्स गार्ड अवर होम्स, जो डॉग होते हैं वो हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। सम एनिमल्स इंटरटेन अस इन द सर्कस, और कोई कोई से एनिमल्स हमारा मनोरंजन करते हैं कहाँ पर? सर्कस में। वी मस्ट ट्रीट द एनिमल काइंडली, हमें जो जानवर होते हैं उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल करवा देंगे। ओके थैंक यू एंड बाय।